Now, let us talk about renewable and non-renewable sources of energy. First, we will talk about renewable source of energy. Now, renewable source of energy का क्या मतलब होना चाहिए? रिन्यूएबल एज द टर्म सजेस्ट, रिन्यूएबल का अगर आप मीनिंग देखेंगे, सो रिन्यूएबल मीन्स रिपीट अगेन एंड अगेन. तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक वह सोर्स है, वह एनर्जी का सोर्स है जो बार बार यूज हो सकता है, जो बार बार हम उपयोग में ला सकते हैं. जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने देखा होगा कि डैम होता है जहां पे पानी को स्टोर किया जाता है. मैंने क्या करा, मैंने डैम के नीचे टरबाइन लगा दिया. ओके, जैसे ही डैम खुलेगा पानी गिरेगा, पानी गिरा और टरबाइन के ऊपर जैसे ही पानी गिरेगा टरबाइन घूमने लगेगा, टरबाइन घूमेगा और उससे मैं इलेक्ट्रिसिटी बना लूंगा. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, मिल गई. फिर जो पानी नीचे गिर गया था उसको मैंने वापस से ऊपर पहुंचा दिया, ऊपर वापस से रख दिया, और वापस से ऊपर रख के उसे फिर से नीचे गिराया, फिर नीचे गिराया तो फिर टर्बाइन घुमा और फिर इलेक्ट्रिसिटी बन गई. फिर पानी को कलेक्ट करा, वापस ऊपर रख दिया, फिर नीचे गिराया, फिर टर्बाइन घुमा, इलेक्ट्रिसिटी बनी. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही जो एक क्वांटिटी ऑफ वाटर है, एक अमाउंट ऑफ वाटर है जो भी मेरे पास पानी है, उसे मैं ऐसा ऊपर ऊपर से नीचे गिराता हूँ, टर्बाइन घूमता है, फिर पानी को उठा के वापस ऊपर रख देता हूँ, फिर वापस नीचे गिराता हूँ, फिर टर्बाइन घूमता है, फिर पानी को उठा के ऊपर रख देता हूँ. सो अगेन एंड अगेन मैं उस पानी की एनर्जी को यूज कर रहा हूं. उस पानी को मैं, जो एनर्जी है उस पानी के अंदर, उसको मैं बार बार यूज कर रहा हूं, बार बार उसी पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता जा रहा हूं. तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ, अ सोर्स, या कहें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ सोर्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वह है जो अगेन एंड अगेन बार 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 यूज हो सकती है, कॉन्स्टेंटली यूज कर सकता हूं. कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि ये खत्म हो जाएगी. मैं इसे यूज कर रहा हूं, फिर वापस चढ़ा दिया, फिर यूज कर लूंगा, फिर पानी चढ़ा दिया, फिर यूज कर लूंगा. तो सेम वाटर को, सेम अमाउंट ऑफ वाटर को मैं बार बार यूज करूंगा. सो दैट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और क्या हो सकती है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हम बात करें विंड की एनर्जी की. विंड एनर्जी अभी हमने सीखा था, विंड एनर्जी मतलब कैसे यूज करेंगे, आपने विंड मिल लगा दिया, जब हवा तेज चली तो वो विंड मिल घूमा, विंड मिल घूमने से क्या हुआ उसके अंदर एक टर्बाइन लगा हुआ है उस विंड मिल के अंदर एक टर्बाइन लगा हुआ है और टर्बाइन भी घूमने लगा और उससे बिजली बन गई. अब मैंने विंड को यूज कर लिया तो क्या विंड खत्म हो गई, क्या विंड कहीं चली गई, हम कहेंगे नहीं. हो सकता है आज विंड चली फिर रुक गई, फिर वापस कल शुरू हो जाएगी. तो मैं उसी विंड को बार 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 यूज कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं विंड यूज कर रहा हूं तब वो खत्म हो गई फिर यूज ही नहीं होगी. वो बार 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 यूज होती जा रही है और विंड कभी भी खत्म नहीं हो रही, विंड कभी भी खत्म नहीं होने वाली. जब तक अर्थ के पास एटमोसफियर है, जब तक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होते रहते हैं, हम देखेंगे कि विंड चलती रहेगी. प्रेशर डिफरेंस क्रिएट क्या होता है, दैट इज नॉट अवर कंसर्न. सो हम कहेंगे कि विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और विंड एनर्जी इज इज इन एग्जॉस्टेबल.
क्या विंड कभी खत्म होगी? नहीं। क्या पानी कभी खत्म होगा? नहीं, पानी भी खत्म नहीं होने वाला। अब आप बोलोगे अगर अर्थ पे इतनी ज्यादा मान लो सनलाइट गिर गई कि पानी गर्म हो गया और पानी गर्म होकर भाप बन गया, तो भाप बन के ऊपर उठेगा। तो अगर भाप बन के ऊपर उठता भी है तो क्या वो अर्थ के एटमोसफेयर को क्रॉस करके निकल सकता है? हम कहेंगे नहीं। अर्थ के एटमोसफेयर के ऊपर, एटमोसफेयर की जो लेयर है, पानी उसके अंदर ही रहेगा, पानी कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो इसीलिए आपने आज पानी यूज किया, वापस इसको चढ़ा दो फिर यूज कर लो, फिर चढ़ा दो फिर यूज कर लो, पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। और अगर पानी खत्म नहीं होगा, इट मीन्स वाटर इज इनएग्जॉस्टेबल। हवा कभी भी खत्म नहीं होगी, इसलिए इट इज इनएग्जॉस्टेबल। तो रिन्यूएबल सोर्स क्या हुआ? जो बार बार यूज हो सकता है और इनएग्जॉस्टेबल है, जो कभी खत्म नहीं होगा। और हवा और पानी की बात करें तो क्या आपको ब्रीदिंग के लिए, क्या आपको सांस लेने के लिए कभी भी पैसे देने पड़ते हैं? डू यू नीड टू पे इफ यू वॉन्ट टू ब्रीथ? अगर आप ब्रीथ करना चाहते हैं तो क्या आप पे करते हैं कभी? हम कहेंगे नो। क्या आप पानी के लिए पे करते हैं? नहीं। ऐसा पानी की नदी बह रही है, आप उसमें से पानी लेके पी सकते हैं, आप उससे पानी यूज कर सकते हैं। तो पानी के लिए या हवा के लिए आप कभी भी पे नहीं करते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिनरल वाटर बॉटल, ओके? आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल वाटर जो कि फ्रीली अवेलेबल है। क्या सनलाइट को यूज करने के लिए आप कभी पे करते हैं? आपने देखा है सनलाइट से हम क्या बना सकते हैं? सोलर कुकर। सोलर कुकर खाना पकाने के लिए, सोलर हीटर होता है जो पानी गर्म करने के लिए यूज होता है। सोलर हीटर हम बना सकते हैं और उस पर गिरने वाली सनलाइट फ्रीली अवेलेबल है। आप कोई सन को पैसे नहीं देते कि आपकी सनलाइट यूज कर रहे हैं तो यू नीड टू पे, ऐसा कुछ नहीं है। इट मीन्स एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज समथिंग विच इज फ्रीली अवेलेबल, जो कि बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल है, उसे हम कहेंगे एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, फ्रीली अवेलेबल। जरूरी नहीं है कि सभी सोर्सेस, सभी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी फ्रीली अवेलेबल हो। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जो भी चीज, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी, इन तीनों में से कोई दो या कोई एक या तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, हम कहेंगे दैट विल बी अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सोर्स को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहने में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, नंबर वन इज सोलर एनर्जी। क्या सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? हाँ है। सोलर एनर्जी क्या बार बार यूज हो सकती है? हाँ, यूज हो सकती है। क्या सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल है? हाँ, कभी भी खत्म नहीं होने वाली। सोलर एनर्जी बार बार यूज हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। आपने आज यूज किया, फिर कल यूज कर लो, फिर परसों यूज कर लो। ओके, यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। क्या कभी खत्म होगी? नहीं। क्या ये फ्रीली अवेलेबल है? हाँ है। इट मीन्स इट इज अ सोर्स ऑफ, इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड इज वाटर एनर्जी। क्या वाटर एनर्जी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन? हम कहेंगे हाँ। क्या ये इनएग्जॉस्टेबल है? हाँ, बिल्कुल है, कभी भी खत्म नहीं होना। क्या ये फ्रीली अवेलेबल है? हम कहेंगे यस, इट इज फ्रीली अवेलेबल। थर्ड आता है विंड एनर्जी। क्या विंड एनर्जी अगेन एंड अगेन यूज हो सकती है? हम कहेंगे हाँ। क्या ये फ्रीली, क्या ये इनएग्जॉस्टेबल है? कभी विंड खत्म होगी क्या? हम कहेंगे नो, इट मींस इट इज इनएग्जॉस्टेबल। क्या ये फ्रीली अवेलेबल है? यस, सो इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी, ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी में क्या क्या आते हैं? ओशन एनर्जी में वी हैव डिस्कस राइट नाउ। ओशन एनर्जी में टाइडल एनर्जी,
देन ओशन थर्मल एनर्जी, देन वेव एनर्जी। क्या टाइडल एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं? चलिए देखते हैं, हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे उसे अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये टाइडल एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं करेगी तो हम कहेंगे ये रिन्यूएबल नहीं है। अगर ये रिन्यूएबल है तो इसे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए। क्या टाइडल एनर्जी हम बार बार यूज कर सकते हैं? हाँ, पानी चढ़ा, पानी की टाइड बनी, टाइड ऊपर से नीचे आया और आपने जनरेटर को घुमा दिया, जनरेटर घूम गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, फिर वापस से पानी चढ़ा, फिर टाइड बना, फिर नीचे आया, फिर से जनरेटर घूम गया। इट मीन्स अगेन एंड अगेन टाइड्स जो है वो यूज हो सकते हैं। क्या टाइड की एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल है? क्या टाइड की एनर्जी कभी खत्म होगी? हम कहेंगे टाइड की एनर्जी तभी खत्म होगी जब मून खत्म हो जाएगा, लेकिन मून खत्म नहीं हो रहा। इट मीन्स टाइड से आने वाली एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल है। क्या टाइड से आने वाली एनर्जी फ्रीली अवेलेबल है? हाँ, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। क्या आपको समुद्र को पैसे देने पड़ते हैं कि मुझे आपकी टाइड की एनर्जी यूज करनी है? क्या आपको मून को पैसे देने पड़ते हैं कि आपकी वजह से टाइड प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए हमें यूज करना है? तो हम कहेंगे टाइड की एनर्जी फ्रीली अवेलेबल है, तो इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स। सेम विथ ओशन थर्मल एनर्जी एंड सेम विथ वेव एनर्जी। ओके, दीज आर द सोर्सेज विच आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और क्या हो सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस? नेक्स्ट आता है जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है? जियो थर्मल एनर्जी, हम ये जानते हैं कि अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर लेयर्स होती हैं, क्रस्ट होता है, उसके नीचे कोर होता है और फाइनली सबसे बीच में एक बहुत ही हाई टेम्परेचर का मोल्टन आयरन फ्लोट करता है अर्थ के अंदर, बिल्कुल सेंटर पे। तो इसका मतलब अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ के अंदर गर्मी है, अर्थ अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है। तो उस एनर्जी को हम कहेंगे, जो अर्थ के अंदर जो एनर्जी है गर्म है, उसे हम कहेंगे जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल मतलब अर्थ के अंदर की गर्मी। उस गर्मी को कैसे यूज कर सकते हैं? आपने बहुत गहरा गड्ढा कर दिया, बहुत डीप गड्ढा कर दिया, और गड्ढा करने से क्या हुआ? गड्ढा करने से जब आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, अर्थ के नीचे पहुंचते जाओगे, वैसे वैसे आपको गर्मी लगने लगेगी, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो आपने बहुत डीप गड्ढा करके, लगभग कुछ इस तरह से, दिस इज द अर्थ, आपने यहां पे एक ऐसा गड्ढा कर दिया, और ये गड्ढे के अंदर एक ऐसा पाइप डाल दिया जो कि वापस एक दूसरी जगह से ऊपर आ रहा है। कुछ ऐसा मैंने गड्ढा किया, यहां से पाइप घुसाया और दूसरी तरफ से निकाल दिया। वो पाइप अर्थ के बहुत अंदर तक जाके इस तरह से और फिर बाहर आ रहा है। फिर मैंने यहां से पानी डाला। अब मैं जानता हूं कि अर्थ के अंदर तो गर्मी है, मतलब ये पाइप बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर यहां से पानी डालूंगा, यहां से ये पानी इधर पास होगा तो पानी यहां पे गर्म होगा, और गर्म होके पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। पानी कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, ठीक है, पानी की भाप बन जाएगी। भाप बनने से क्या होगा? भाप गर्म होगी और यहां से उठेगी, और यहां पे मैं टरबाइन लगा दूंगा। तो इस भाप की मदद से मैं टरबाइन को घुमाऊंगा, अगेन क्या प्रोड्यूस करूंगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कहेंगे कि अर्थ की गर्मी की मदद से आपने इस पानी को गर्म किया और उससे भाप बनाई, और भाप से टरबाइन चलाया, और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो इस तरह से हमने अर्थ की गर्मी को यूज कर लिया। क्या अर्थ की गर्मी कभी खत्म होने वाली है? हम कहेंगे नो। क्या अर्थ की गर्मी फ्रीली अवेलेबल है? हम कहेंगे हाँ। आप अपना खुद का गड्ढा खोद लीजिए अंदर, कोई और आपका पड़ोसी है वो खुद का गड्ढा खोद के हीट एनर्जी यूज कर सकता है। इट मीन्स अर्थ की एनर्जी फ्रीली अवेलेबल है, सो दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलती है यूरेनियम और थोरियम जैसे एलिमेंट्स से। दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स,
ये एलिमेंट्स में हम उसके न्यूक्लियस की मदद से, उसके न्यूक्लियस से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस तरह से करते हैं, दैट यू विल डिस्कस इन लेटर इन दिस चैप्टर। सो अभी जस्ट हम मान लेते हैं कि न्यूक्लियर से जो एनर्जी है ये अगेन एंड अगेन यूज हो सकती है, ये इनएग्जॉस्टेबल है। इनएग्जॉस्टेबल क्यों है? बिकॉज बहुत थोड़े से अमाउंट ऑफ यूरेनियम में या बहुत थोड़े से अमाउंट ऑफ थोरियम में हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी मात्रा जितनी भी है, भले ही ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन इसका यूजेज बहुत थोड़ा थोड़ा है। आप थोड़ा सा लीजिए, 10 ग्राम न्यूक्लियर फ्यूल ले लीजिए, आप 10 ग्राम यूरेनियम ले लीजिए, 10 ग्राम यूरेनियम से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। सो हम कहेंगे दिस इज इनएग्जॉस्टेबल। और क्या ये फ्रीली अवेलेबल है? हाँ, ये अर्थ में आपको मिल सकता है। आप चाहें तो आप अपनी खुद की खदान खोद के और ये यूरेनियम को बाहर निकाल सकते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो दिस इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ये यूज हो सकता है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की हम एक कैरेक्टरिस्टिक और कह सकते हैं कि अगर हम इन सभी को एनालाइज करें तो इन सभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं, ये इतने 6 एनर्जी सोर्सेस, दीज सोर्सेस डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। सोलर एनर्जी से कभी भी पॉल्यूशन नहीं होता, वाटर एनर्जी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, विंड से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ओशन से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, अर्थ की गर्मी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, और न्यूक्लियस एनर्जी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ये इसमें पॉल्यूशन किस तरह से नहीं होता, इसे हम सीखेंगे आगे। सो अभी हम मान लेते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक और है, दैट इज इट दे कॉज पॉल्यूशन। तो इट मींस हमारे पास ये 6 और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमेशा यूज कर सकते हैं, बार बार इन इन इनएग्जॉस्टेबल हैं, देन फ्रीली अवेलेबल हैं और पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दीज सोर्सेस कंट्रीब्यूट ओनली 8 to 10% ऑफ एनर्जी डिमांड। जितनी इस अर्थ पे, जितनी हमारे वर्ल्ड में एनर्जी की डिमांड है, उस एनर्जी डिमांड की सिर्फ 8 to 10% डिमांड ये फुलफिल करते हैं। दिस इज वेरी शॉकिंग कि जब इतने अच्छे सोर्सेज हैं, फ्री में मिल रहे हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों है कि सिर्फ 8 से 10% ही कंट्रीब्यूट करते हैं? फिर क्यों हम इन्हें यूज नहीं करते? ऐसी क्या वजह है कि हम इन्हें यूज नहीं करते? सो दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस कि इतने अच्छे सोर्सेज है बट यूज नहीं हो रहे, तो देर इज समथिंग, कुछ तो है कि हम इन्हें यूज नहीं कर रहे। ओके, सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस करा। दीज आर द डिटेल्स ऑफ दिस रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड यू कैन नोट दिस। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल कोल। आपने कोल को एक बार जलाया, आपने खाना पकाना है आपको, आपने कोल लिया, उसको रखा और जला दिया। जलाने के बाद कोल थोड़ी देर जला और फिर बुझ गया। क्या मैं वापस से उसमें आग लगा के उसे जला सकता हूँ? हम कहेंगे नहीं। कोल को एक बार सिर्फ यूज किया जा सकता है और सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइम उसको आप उसी कोल को यूज नहीं कर सकते, आपको और नया कोल लाना पड़ेगा। फिर आप नए कोल को जलाओगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर नए कोल लेके आओगे, फिर उसको जलाओगे, फिर खत्म हो जाएगा। मतलब कोल कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, और नाम पढ़ के हमें दिख रहा है नॉन रिन्यूएबल, मतलब नॉन रीयूजेबल। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होने चाहिए? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी लाइक कोल। कैसे? विच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन।
जो अगेन एंड अगेन हम यूज नहीं कर सकते उन्हें हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब जैसा कोल है, तो अर्थ के अंदर कोल प्रेजेंट है, आपने कोल निकाला जलाया खत्म, आपने और कोल निकाला जलाया खत्म, लेकिन अर्थ के अंदर जो कोल प्रेजेंट है वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ कोल प्रेजेंट है, अर्थ के अंदर कोल की जो मात्रा है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है। तो जैसा रिन्यूएबल सोर्स में क्या था, दीज आर इनएग्जॉस्टेबल, सो यहां पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर एग्जॉस्टेबल, जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना, जो खत्म हो सकते हैं उन्हें हम कहेंगे एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देन ये वाले सोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन क्या कोल आपको फ्रीली मिल सकता है? कोल आपको फ्रीली नहीं मिल सकता, कोल आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा। कोल खरीदेंगे तो हम कहेंगे कि दीज सोर्सेज आर विच आर नॉट अवेलेबल फ्रीली, दीज सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल फ्रीली, लेकिन ये सभी सोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करें तो ये फ्रीली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, दैट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस। सो कन्फ्यूजन जनरली ऐसा होता है कि ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये तो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसके लिए तो जमीन में जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो दिस इज अ रिन्यूएबल बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। ओके, फ्रीली अवेलेबल ना होते हुए भी ये रिन्यूएबल है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विच आर नॉट अवेलेबल फ्रीली, जो फ्रीली नहीं होंगे उन्हें हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब आप जब कोल जलाते हो तो उससे धुआं निकलता है, एक ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस होता है, दैट स्मोक इज पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। हेंस आई विल से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच कॉजेस पॉल्यूशन। दीज आर सोर्सेज विच कॉजेस पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस ऐसे सोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और फ्रीली अवेलेबल नहीं है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, फिर से यूज नहीं हो सकते और पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। लेकिन अगेन जो शॉकिंग बात है वो ये कि दीज थ्री सोर्सेस, सिर्फ ये तीन सोर्सेस मिलके कंट्रीब्यूट टू 85-90% ऑफ एनर्जी डिमांड। जो हमारे वर्ल्ड में, जो इस दुनिया में एनर्जी की डिमांड है उसका सिर्फ ये तीन लोग मिलके 85-90% कंट्रीब्यूशन देते हैं, और ये इतने सारे छह मिलके भी सिर्फ 8-10% ही दे पाते हैं। सो दिस इज वेरी शॉकिंग कि ये चीज महंगी है, पॉल्यूशन कर रही है, बट फिर भी इतना ज्यादा यूज हो रही है, इतना ज्यादा, और ये चीज सस्ती है, पॉल्यूशन भी नहीं कर रही, बट फिर भी इतना सा यूज हो रही है, तो हम क्यों ना इसे यूज करें, क्यों इसे यूज नहीं करें। तो दैट वी हैव टू लर्न, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें इसे बचाना चाहिए, क्योंकि ये एक लिमिट बात खत्म हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। ये तीन मिलके अगर इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो अगर ये खत्म हो गए तो इनका रिप्लेसमेंट कहां से मिलेगा, कौन रिप्लेस करेगा इन्हें इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन का, कुछ रीजन तो होगा, तो दैट वी विल लर्न इन अपकमिंग क्लासेस। सो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में ये एक बेसिक सा डिफरेंस है कि ये वाले सोर्सेज इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ तीन चीजें, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस। इंडिया में आप जानते हैं जैसे कि कोल निकालने का किसको मिला हुआ है, कोल निकालने के लिए
कोल इंडिया लिमिटेड करके एक गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, जो कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पे कोल की माइन होती है वहाँ पे उसको कोल को एक्सट्रैक्ट करती है। ऑयल और नेचुरल गैस के लिए आपने ONGC का नाम सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये बेसिकली ऑयल निकालती है और नेचुरल गैस निकालती है। ऑयल और नेचुरल गैस कहाँ से मिलते हैं? हो सकता है ये इनके सी में बेड हो, सी में से निकलते हो, समुद्र से बाहर आते हैं, या कोई लेट से लैंड से या माउंटेन के आसपास से कहीं से इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट होते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, दैट इज अ अनदर टॉपिक। सो हमें बेसिकली डिफरेंस समझने की आवश्यकता है कि ये कैसे है और ये कैसे है। इसे समझने के बाद हम समझेंगे व्हाट इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड देन वी विल डिस्कस कि क्यों ये वाले कम यूज होते हैं और क्यों ये वाले ज्यादा यूज होते हैं। ओके, सो यू कैन नोट दिस। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कन्वेंशनल। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मीन बाय कन्वेंशनल? कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल या कन्वेंशन, एक कन्वेंशन जो फॉलो होता है। कन्वेंशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता है, आपको ये सिखाया गया है कि रात में आप सो जाइए, जब सूरज ढल जाता है, जब सनसेट हो जाता है तब आप सो जाइए, और जब सनराइज हो जाता है तब आप उठ जाइए। तो आप क्या फॉलो कर रहे हैं? आप हमेशा बचपन से लेके अभी तक रात में सो जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं, रात में सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं। आपके आसपास वाले भी यही फॉलो कर रहे हैं, आपके मदर फादर, आपके सिस्टर ब्रदर, सब सभी लोग एक ही कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं कि रात में सोना है और सुबह उठना है। लेकिन अगर मान लो आप ऐसा ना कर, डोंट ट्राई दिस, लेकिन अगर मान लीजिए आपने ऐसा किया कि आप रात को जागते हैं और सुबह सोते हैं, आपने अपना शेड्यूल बदल लिया, अब आप रोज सुबह सो जाते हैं और रात होते ही जाग जाते हैं, सुबह सो जाते हैं फिर रात होते ही जाग जाते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग समथिंग अदर, समथिंग डिफरेंट विच अदर पीपल आर डूइंग। मतलब लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। ये कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन एक वो प्रोसेस है जो बहुत सालों से चलती आ रही है। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, क्या तब लोग रात में नहीं सोते थे? हम कहेंगे नहीं, तब भी रात में सोते थे और दिन में जागते थे, और तब से ये चल रहा है, उसके पहले से चल रहा है। अब अगर मैं AD की बात करूं, बिफोर क्राइस्ट की बात करूं, BC की बात करूं, तो इन सभी प्रोसेस में बहुत पहले से, जब से अर्थ बनी है, ऐसा ही प्रोसेस चलता आ रहा है। मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर से एक कन्वेंशन फॉलो होता आ रहा है कि रात में सो दिन में जागो, रात में सो दिन में जागो, ये प्रोसेस चलती आ रही है। तो ऐसी चीजें, ये क्या है? ये कन्वेंशन है, ये एक ट्रेडिशन है। तो इसी बेसिस पे अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें, तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? वह सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमेशा से यूज होते आ रहे हैं, जो हमेशा से यूज होते आ रहे हैं, जो कोई नया नहीं है, कोई चीज नई नहीं है। जैसे कि कोल, कोल और वुड, हम जानते हैं कि बहुत पहले से, मे बी सम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक से, लोग खाना पकाने के लिए कोल का यूज करते हैं। कोल को जलाते हैं, वुड को जलाते हैं, और उससे गर्मी पैदा होती है और उससे खाना पकाते हैं, फायर प्रोड्यूस करते हैं। जो केव मैन के बारे में हमने सुना है, वो फायर कैसे प्रोड्यूस करता था? वो पत्थर ऐसा रगड़ के और कोल या फिर वुड पे लगाता था, सूखी लकड़ी पे, और वो फायर प्रोड्यूस हो जाती थी। तो बेसिकली ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं और अभी तक यूज हो रहे हैं और मेजॉरिटी यूज उनका हो रहा है, वो कहेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर यूज्ड
एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा हर समय यूज हो रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे विच आर यूज्ड एक्सटेंसिवली आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड अब क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, इनका यूज सबसे ज्यादा है, इट मींस ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी डिमांड है वो कौन फुलफिल कर रहा है, वो ऑब्वियस ही बात है यही सोर्सेज फुलफिल कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं एंड विच कंट्रीब्यूट या ऐसा लिखें विच फुलफिल मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी डिमांड, जो एनर्जी की जो डिमांड है उसका मेजर पोर्शन मेजॉरिटी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो क्या आप डेफिनेशन देख के बता सकते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के? हम कहेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल इज कोल, कोल, देन ऑयल, ऑयल मतलब पेट्रोल या डीजल या और कोई फॉर्म ऑयल का, जो केरोसिन होता है या फिर वो जो खाने में यूज होता है वो ऑयल, ये सभी क्या है कन्वेंशनल सोर्सेज है। देन गैस, नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं, एंड देन वाटर। वाटर कैसे, आपने थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में सुना होगा, जो पानी से बिजली प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, और जो कोल से या ऑयल से या गैस से बिजली पैदा करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और हाइड्रो पावर प्लांट मतलब हाइड्रो एनर्जी, मतलब जो पानी से एनर्जी है, जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था आप पानी को हाइट पे रख दीजिए, वहां से उसे नीचे गिराइए, नीचे टरबाइन लगा दो, टरबाइन लगाने से क्या होगा, टरबाइन रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, फिर इस पानी को वापस चढ़ा के वापस गिराइए, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो ये जो प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलती जाती है ये होती है वाटर एनर्जी से, वाटर के पास जो एनर्जी है उसका बार बार यूज किया जाता है। ओके, सो कन्वेंशनल सोर्सेस जो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं और बहुत समय से यूज होते आ रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देन अब कन्वेंशनल के अलावा दूसरे क्या होंगे, सेकेंड वन इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो व्हाट एग्जैक्टली आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? नॉन कन्वेंशनल मतलब जो चीज कन्वेंशन में नहीं है, जो रेगुलर फॉलो नहीं होती उसे हम कहेंगे नॉन कन्वेंशन। जैसा कि मैंने कहा आप रात को जागिए और दिन में सोइए, दिन में सोइए और रात को जागिए और ये प्रोसेस चलने दीजिए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अनकन्वेंशनल, दिस इज नॉट ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन ऐसा नहीं कहता, ठीक है। तो जो चीज बहुत लंबे समय से यूज होती नहीं आ रही उसे हम कहेंगे नॉन कन्वेंशनल, मतलब मेजॉरिटी यूज इसका नहीं होता। तो जैसा हमने कहा कि कन्वेंशनल मतलब विच आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, तो नॉन कन्वेंशनल विच आर नॉट यूज्ड एक्सटेंसिवली, जो कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होते। अब क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहे तो जैसा हमने यहां लिखा विच फुलफिल मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी डिमांड, तो यहां पे क्या आएगा, विच फुलफिल ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ एनर्जी डिमांड। जैसे कि For example, if I talk about geothermal energy, okay, जो अर्थ के अंदर की एनर्जी है, ये बहुत कम यूज होती है कि आप एक पाइप खोद के अंदर डालें और फिर बाहर निकालें, फिर उसमें पानी डालें और स्टीम प्रोड्यूस करें, ये बहुत ही कम यूज होता है, इसलिए इसे कहेंगे एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स।
देन न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी अगेन बहुत कम यूज होती है। अगर हम बात करें ऑन अ ब्रॉड लेवल तो इस वक्त भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज ही नहीं कर सकता, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो इसे यूज करें। वो कोल और वाटर और ऑयल और गैस इन्हीं पे अपना काम चला रहे हैं। तो इसीलिए ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एक नॉन कन्वेंशनल है जो कि हमेशा से यूज नहीं हो रही। सो दीज आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लासिफिकेशन हमें करना आवश्यक था क्योंकि हमने सीखा कि सन की एनर्जी और कोल की एनर्जी में डिफरेंस किस तरह से है। दोनों एनर्जी के फॉर्म है लेकिन किसे यूज करना चाहिए और किसे यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो थ्योरिटिकली हम पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली जो चीज होती है, उन दोनों चीजों में डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज अगर मैंने सोच लिया कि मुझे सन की एनर्जी को यूज करना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये सोचना है कि सन की एनर्जी को किस तरह से यूज करूं। क्या सन की एनर्जी को मैं एक डब्बे में स्टोर करके रख लूं? हम कहेंगे नहीं। सन की एनर्जी को यूज करने का प्रोसेस, यूज करने का तरीका हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम सन की एनर्जी को हीट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, हम सन की एनर्जी से कुछ केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, इसी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना और उसके बाद इस तरह की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना या डिस्कवर करना कोई आसान काम नहीं। हेंस प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि हम कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली हमने क्लासिफाई किया प्रैक्टिकली वी विल से अ सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज। ओके, इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज। सोलर एनर्जी जो है वो कन्वीनियंटली यूज नहीं हो सकती। सेकेंड आस्पेक्ट हम कहेंगे इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, और थर्ड एस्पेक्ट हम कहेंगे इट शुड बी इजी टू स्टोर। सो दीज आर सम एस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन क्लासिफाई द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। प्रैक्टिकली ये तीन कंसिडरेशन हमें लेके चलने पड़ते हैं। दैट्स वाई हम जियो थर्मल एनर्जी और सोलर एनर्जी का कम उपयोग करते हैं और कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो यू कैन नोट दिस।